हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए मॉक टेस्ट लाया है हमने। फिशरीज के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो डिप्टी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या डिप्टी इंस्पेक्टर हो, फिशरी फार्म हो, जो भी फिशरीज के रिलेटेड एनिमल शीप हस्बेंड्री की जो रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम वो देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 100 प्लस एमसीक्यूज लाए हैं, तो हम देखते हैं कि आपने इसमें कितनी तैयारी की है। तो आज करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में, द क्लासिक ऑफ फिश कल्चर वाज रिटन बाय। अब जो क्लासिक ऑफ फिश कल्चर जो बुक है, ये किसने रिटन की है? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो आप टाइम लेके बता सकते हैं कि इनमें से किस कौन सा जो है आंसर होगा। क्या फैनली है, एस डब्ल्यू लिन है, सी एफ हिकलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? देखिए, इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर है वो है फैनली। ठीक है, फैनली जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑयस्टर फार्मिंग स्टार्टेड एट, ऑयस्टर फार्मिंग स्टार्टेड एट चाइना, जापान, इजिप्ट, कोरिया। बताइएगा आपको क्या लगता है कौन सा जो आंसर है वो सही है। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जापान। ओके, जापान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोगेशन एंड फार्मिंग ऑफ ट्राउट ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूके, नॉर्वे, फ्रांस, यूएसए। तो आपको क्या लगता है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, प्रोपगेशन एंड फार्मिंग ऑफ ट्राउट? इसका जो आंसर है, जिसके माइंड में आ रहा है कि फ्रांस इसका आंसर है, तो वो समझिए हाँ ये सही है। फ्रांस जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्रांस जो है करेक्ट आंसर है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर इज रिलेटेड टू सीवीड, मुसल, श्रिम्स, ऑयस्टर। तो क्या लगता है आपको आंसर क्या आएगा? ओल्ड फॉर्म जो है कोस्टल एक्वाकल्चर की, वो किसके रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑयस्टर। क्या आएगा? ऑयस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राउट स्पीशीज हैज हाइएस्ट ग्रोथ रेट? बताइएगा। ऑप्शन आपके पास आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, ब्रूक ट्राउट, या नन ऑफ दी बो। तो इनमें से आपको बताना है सबसे बेस्ट जो स्पीशीज है जिसकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। देखिए, जिसकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है उसका आंसर है रेनबो ट्राउट। क्या है? रेनबो ट्राउट जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्टील हेड इज ए वराइटी ऑफ, क्या आप जानते हैं जो स्टील हेड है वो उसकी वराइटी, क्या वो रेनबो ट्राउट की है, ब्रूक ट्राउट की है, ब्राउन ट्राउट की है, या किसी इनमें से किसी के नहीं है? देखिए, जो स्टील हेड वराइटी है ये रेनबो ट्राउट, किसकी वराइटी है? रेनबो ट्राउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेड फॉर एसिडिक पॉन्ड इज, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रिकमेंडेड फॉर एसिडिक पॉन्ड इज, इसका जो आंसर है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड फिश स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शन यहां पे है कॉमन कॉप, एटलांटिक सैल्मन, पेनिस मोनोडॉन, या टिलेपिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर है कॉमन कॉप। ओके, कॉमन कॉप जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर है जी, सीवेज फेड एक्वाकल्चर स्टार्टेड इन। अब जो सीवेज फेड है ये कहां पे एक्वाकल्चर स्टार्ट हुआ? जर्मनी, यूएसए, इंडिया, चाइना। तो जिसने लगाया जर्मनी को टिक, वो हो गया पास। तो जर्मनी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फर्स्ट कमर्शियल फ्रेश वाटर प्रॉन हैचरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन।
फर्स्ट कमर्शियल फ्रेश वाटर प्लांट हैचरी कब हुई थी? 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडिबल सीवीड? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं तो आपको बताना है, एंटेरोमॉर्फा, ओलिया, कॉलिपा या ऑल ऑफ द एबो। क्या आपको लगता है कि ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर होगा या फिर ओलवा होगा या फिर कॉलिपा होगा? तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऑल ऑफ द एबो। क्या आएगा? ऑल ऑफ द एबो जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कल्टिवेटेड सीवीड ग्लोबली इज? क्या आंसर इसका आ सकता है? ओलवा, पोर्फिरा, एंटेरोमॉर्फा या लैमिनेरिया। तो इसका जो आंसर आएगा सही वो क्या है? इसका जो आंसर है वो है लैमिनेरा। ठीक है ना, लैमिनेरिया जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इंदिरा सागर रिजर्वर इज लोकेटेड एट? अब जो इंदिरा सागर रिजर्वर है वो कहां पे लोकेट है? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो इंदिरा सागर रिजर्वर है वो कहां पे लोकेट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश। क्या आएगा? मध्य प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिजर्वर ऑफ इंडिया इज? अब सबसे लंबा जो रिजर्वर है इंडिया का वो कौन सा है? क्या गोविंद सागर है, हीराकुंड साउथ रिजर्वर है, सरदार सरोवर है या इंदिरा सागर है? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हीराकुंड रिजर्वर। कौन सा आएगा? हीराकुंड रिजर्वर जो है ये इसका सही आंसर है। द प्राइम गोल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर्स इज? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल यूथ, एक्वा टूरिज्म, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या एक्वा कल्चर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ये प्राइमरी गोल होता है कंस्ट्रक्शन करना किसका? रिजर्वर का। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिजर्वर इज मोस्ट सूटेबल फॉर केज कल्चर? अब केज कल्चर के लिए रिजर्वर कौन सा जो है मोस्ट सूटेबल है? ऑप्शन यहां पे दिए गए, ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक, मिसोट्रॉपिक, डिस्पोटिक। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है ओलिगोट्रॉपिक। ठीक, डैश डैश एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, क्या ये सेलुलोज है, माइलेज है, बोथ है या नन है? तो सेलुलेज जो एंजाइम है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी ओकस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सी डी ए ई। तो विटामिन डी जो है इसकी कमी से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। What is the biosynthetic source of all steroid hormones? Cholesterol, ketone bodies, carbohydrates या proteins? तो इसका आंसर क्या आएगा? Cholesterol जो है इसका सही आंसर है। Monomeric unit of nucleic acids are called nucleotides, nucleosides, pyrimidines या purines? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा nucleotides। ओके, मेल हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स इज कॉल्ड? मेल हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन क्या आएगा? पॉलीगनी, मोनोगनी, पॉलिएंड्री, पॉलीगनी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉलीगनी। ठीक है ना, जो इसका आंसर क्या आएगा पॉलीगनी जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेटिक फिश? यहां पे पोसीलिया फार्मोसा है, पोसीलिया रेटिकुलेटा है, गोपी है, स्वोर टेल है। इन चार में से बताना है पार्थिनोजेनेटिक फिश कौन सी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पोसीलिया फार्मोसा। ठीक है, पोसीलिया फार्मोसा जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच फिश कैन डाइजेस्ट सेलुलेस? सेलुलेस, अब कौन सी फिश जो है वो डाइजेस्ट करती है सेलुलेस? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तिलैपिया।
कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक ड्रग इज, इनमें से बताना है कॉमनली एनेस्थेटिक ड्रग कौन सा यूज होता है, MS-222, DMSO4, क्विनोलिडिन या ऑक्सीमॉर्फिन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा MS-222। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, साइंटिफिक नेम ऑफ मिल्क फिश, मिल्क फिश का साइंटिफिक नेम क्या है, चैनोस, चैनोस जो है हम मिल्क फिश को साइंटिफिक नाम से पुकारते। नेचुरल गाइनोजेनेसिस इज फाउंड इन, अब नेचुरल जो गाइनोजेनेसिस है वो कहाँ पे पाई जाती है, किस फिश के अंदर पाई जाती है, तिलापिया, पोसीला, सेपरस, जेबरा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी पार्ट, पोसीलिया फॉर्मोसा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लांट पॉइजन फॉर किलिंग ऑफ इंसेक्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन यहां पे है मस्टर्ड ऑयल केक, ग्राउंड नट ऑयल केक, माहू ऑयल केक, टी सीड केक। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो इसका सही आंसर है वो है माहू ऑयल केक। कौन सा है, माहुआ ऑयल केक जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेम ऑफ द इंसेक्ट नोन एज बैक स्विमर, कौन से इंसेक्ट को हम बैक स्विमर कहते हैं, साइबस्टर, रेनेट्रा, रेनेट्रा या किसको हम कहते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नोटोनेक्टा। क्या आएगा, नोटोनेक्टा जो इंसेक्ट है इसको हम बैक स्विमर के नाम से भी जानते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स टू इन प्रेजेंट इन ब्राउन ट्राउट इज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या आ सकता है, 88, 80, 60, 118। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 80। ओके, 80 इसका करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन रेनबो ट्राउट इज, बोलो टू इन नंबर कितने हैं रेनबो ट्राउट के अंदर, 60, कितने होते हैं 60, 80 कहां होते हैं ब्राउन ट्राउट और 60 होते हैं रेनबो ट्राउट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू इन प्रेजेंट इन सिल्वर कॉर्प्स एंड ग्रास कॉर्प्स, ये जो मेजर कॉर्प्स है हमें बताना है कौन से जो सिल्वर कॉर्प जो है क्रोमोसोम्स टू इन नंबर जो है प्रेजेंट होता है सिल्वर कॉर्प्स और ग्रास कॉर्प्स। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 48। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्लेरिस बैट्रिकस, अब क्लेरिस बैट्रिकस जो है इसके अंदर कितने होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लेरिस बैट्रिकस का जो आंसर क्या आ सकता है, 50 जो है क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं प्रेजेंट क्लेरिस बैट्रिकस के अंदर। अब यहां पे है फिनोटाइपिक रेशियो इन रिसेसिव लीथल जीन एक्शन इज, ऑप्शन यहां पे दिया गया है 2:1, 3:1, 1:2:1 और अफीबो। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2:1। ओके, 2:1 जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन एक्शन इज, ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1:2:1। क्रोमोसोम्स वेयर डिस्कवर्ड बाई, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, सीवी नेगली इन 1842, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या ऑल, क्या आएगा इसका आंसर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ऑल, दैट मींस इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी, वो जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन्स आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एलोजाइम्स, क्या बोलते हैं हम एलोजाइम्स के नाम से जानते हैं। और जो एंजाइम्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट जीन्स दैट प्रोसेस आर कैटलाइज द सेम रिएक्शंस आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे आइसोजाइम्स, क्या बोलेंगे, आइसोजाइम्स। Which of cross is used to know the genotype of an individual? Back cross, hybridization, test cross, top cross. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा test cross. Okay, test cross जो है इसका correct answer होगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग विल एल्टर बोथ द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ऑप्शन यहां पे है एपिस्टेसिस जो है ओवरडोमिनेंस लिंकेज जनन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लिंकेज। ओके, लिंकेज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मन क्लेचर इंक्लूड, यहां यूनिकनेस, यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी, स्टेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? देखो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो भी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम के तमाम आपके सिलेबस से लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से बाहर हैं, तो इसीलिए इनको आप ध्यान से देखिएगा और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता हो वो आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट कीजिएगा। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर है जी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाई, अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हैमिल्टन बूचन। क्या आएगा? हैमिल्टन बूचन। क्या ये आएगा? एर्नेस्ट मायर। क्या ये आएगा? एरिस्टोटल। क्या ये आएगा या फिर कैरलस लीनियस? क्या लगता है आपको? देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सेवंथ एट स्टैंडर्ड का है, तो इसका जो आंसर है वो है कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस जो है इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनस नीलो नियोलिसुलस बिलोंग्स टू द फैमिली, अब ये कौन सी करती है? ये सैपिनेडिया फैमिली से बिलोंग करती है। साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्डन मासीर, क्या आप बता सकते हैं साइंटिफिक नेम जो है गोल्डन मासीर का वो क्या है? देखिए जो साइंटिफिक नेम है गोल्डन मासीर का वो क्या है, ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो जो सही आंसर है वो क्या है? टॉरपिटिटोरा। ठीक है ना, टॉरपिटिटोरा जो है इस गोल्डन मासीर का साइंटिफिक नाम है। आप बताइए फादर ऑफ फिश टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आरटीडी। आरटीडी जो है इसको फादर ऑफ फिश टैक्सोनॉमी भी कहा गया है। द मेन पर्पज ऑफ की इज टू आइडेंटिफाई, अब की का जो मेन जो काम होता है वो क्या होता है, किसको आइडेंटिफाई करना होता है? वो होता है टैक्सोन। क्या होता है? टैक्सोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है ऑब्जर्वड इन, क्या इंग्लैंड जो है ये किस के अंदर देखा जाता है? ऑक्टोपस, एसीपिया या दोनों में या किसी में नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोनों में, बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरासाइटिक क्रस्टेशियन लार्वा इज, अब जो पैरासाइटिक क्रस्टेशियन लार्वा कौन सा है? इसका ऑप्शन आएगा ग्लोचिडियम। ग्लोचिडियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इंडियन जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन बिलोंग्स टू, अब जो इंडियन जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन है वो बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करती है? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, ऑप्शन है फर्फेंटिपिनस नो, फेनरोपिनस नो, मार्सोपिनस नो, तो आप कमेंट में बताइएगा इंडियन जेंट फ्रेश वाटर किसको कहते हैं, तो यहां पर तो नन इसका आंसर आएगा। ओके, द पैरासाइटिक क्रस्टेशियंस, अब जो पैरासाइटिक क्रस्टेशियंस है वो कौन सा है? आर्गुलस जो है, आर्गुलस को पैरासाइटिक क्रस्टेशियंस भी कहा जाता है। ओके, यहां पे है शील्ड लाइक बूनी प्लेट, जब शील्ड लाइक बूनी प्लेट्स होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्कूट स्केल्स, स्कूट स्केल्स हमें कहते हैं। टूथेड आउटर एज, टूथेड आउटर एज कौन से स्केल्स होते हैं? अब जो टूथेड आउटर एज होते हैं उनको हम बोलते हैं टीनाइट स्केल्स। क्या बोलते हैं? टीनाइट स्केल्स हम उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो क्या है? माउथ ऑन द अंडर साइड ऑफ स्नाउट, माउथ जो होगा जब अंडर साइड ऑफ स्नाउट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सब टर्मिनल। क्या आएगा? सब टर्मिनल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
माउथ ऑन द टॉप साइड ऑफ स्नाउट, माउथ ऑन द टॉप स्नाउट, टॉप साइड ऑफ स्नाउट। अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे सुपीरियर, क्या बोलेंगे सुपीरियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हिल्स जो होती है ना, आईज ऑफ डीप वाटर स्विमिंग फिश, उनकी जो जो फिशेस डीप स्विमर होती हैं उनकी आईज क्या बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं। देखो जो डीप वाटर स्विमिंग फिश होती है ना, उनकी जो आंखें होती हैं वो बड़ी होती हैं, क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। अब रही बात जो हिल स्ट्रीम फिशेस होती हैं, क्या होती हैं, हिल स्ट्रीम फिशेस, उनकी जो आईज होती है, आईज ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस, उनकी आईज स्मॉल होती हैं। ओके, नंबर ऑफ गिल्स इन मेजॉरिटी ऑफ फिश, मेजॉरिटी ऑफ फिशेस के अंदर कितने नंबर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, तो यहां पे आएगा फाइव पेयर्स, क्या आएगा, फाइव पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ फिश इज परफॉर्मड थ्रू क्या, हार्ट, गिल्स, लिवर, किडनी, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है फिश के अंदर वो किससे परफॉर्म होता है, इसका जो सही आंसर है वो है किडनी, क्या है, किडनी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब जो फिश सर्कुलेशन सिस्टम होता है, फिश सर्कुलेशन सिस्टम नो करंट, काउंटर करंट, कॉन्करंट या को करंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप क्या इसका आंसर हो सकता है। जो फिश सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो होता है काउंटर करंट, क्या होता है, काउंटर करंट। ओके, नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट ऑफ फिश, बोलिएगा कितने चैम्बर का फिश का हार्ट होता है, जिस तरह से आपका हार्ट फोर चैम्बर है, टू ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स, तो फिश का हार्ट जो होता है ये टू चैम्बर्ड होता है, कितना होता है, टू चैम्बर्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो जेली फिश है ये मेड अप ऑफ टू डैश डैश परसेंट ऑफ वाटर। अब जो जेली फिश है आपको बताऊं ये 96% जो वाटर होता है इससे बनती है। ओके, जेली फिश हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस किसको कहा जाता है, क्या जिसको साल्ट हो, अल्कलीज हो, ऑक्सीजन हो, या तीनों के तीनों हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होते हैं जो अल्कलीज, ऑक्सीजन और सॉल्ट, ये ऑल ऑफ थ्री। ओके, उसके बाद है क्रोमैफिन टिश्यूज, क्रोमैफिन टिश्यूज एज एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज, ऑप्शन है कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, स्टेनोकालीन या इंसुलिन, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एड्रेनालिन, ठीक है ना, एड्रेनालिन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद है कॉर्पल्स ऑफ स्टेनियस एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज, क्या कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, स्टेनोसिन, इंसुलिन, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेनो, स्टेनोकैल्सिन, ठीक है ना। विच टिश्यू यूजेस ऑनली ग्लूकोस, ऑप्शन यहां पे दिया गया है, लिवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ब्रेन, क्या आएगा, ब्रेन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑर्गन मोस्टली डोंट टेक ग्लूकोज एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या स्केलेटन मसल, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या आएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन मोस्ट डोंट टेक ग्लूकोज एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, डन, यहां तक आपका क्लियर हो गया। द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विटामिन बी, विटामिन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम एटीपी थ्रो, अब एनर्जी जो रिलीज होती है फ्रॉम एटीपी वो किसके थ्रो होती है, इसका आंसर आएगा हाइड्रोलिसिस, क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है।
इंडिया की बात करें, स्टेट विच हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया, अब जो गुजरात है ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया है ओके। उसके बाद अगर हम बात करें ओशन ऑफ द वर्ल्ड कवर, तो ओशंस ऑफ द वर्ल्ड कितना कवर किया है, ये आएगा 71% ऑफ अर्थ ओके। उसके बाद है चिल्का लेक, क्या बता सकते हैं चिल्का लेक जो है वो कहाँ, वो क्या है, क्या वो पेयर शेप्ड है, क्या वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या नन, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो चिल्का लेक है वो क्या है, देखिए जो चिल्का लेक है वो पेयर शेप्ड है, क्या है पेयर शेप्ड, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। और राइवर गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज हैज कंबाइंड लेंथ ऑफ, ऑप्शन यहां पे दिया गया है 10,500, 14,500, 12,500 या 16,500, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,500 करेक्ट आंसर होगा ओके। द टोटल नंबर ऑफ इंडियन रिजर्वर इज, अब टोटल नंबर कितना है इंडियन रिजर्वर का, ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 19370 ओके, 19370 इसका करेक्ट आंसर है। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या 8129 किलोमीटर है, 2229 किलोमीटर है, 4239 किलोमीटर है या इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा 8129 किलोमीटर। द हाइएस्ट प्रोड्यूस्ड सीवीड ग्लोबली इज, बताइएगा क्या ब्राउन अलगे, रेड अलगे, ग्रीन अलगे या नन ऑफ दी एबो, तो हाईएस्ट प्रोड्यूस सीवीड जो है ग्लोबली, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राउन अलगे, कौन सा है ब्राउन अलगे जो है इसका करेक्ट आंसर है। द स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ सीवीड्स इन इंडिया इज, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरला, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुजरात, ठीक है गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो व्हाइट स्पॉट डिजीज वायरस होता है, क्या ये इनवेलोप्ड होता है या नॉन इनवेलोप्ड होता है या फिर आरएनए वायरस होता है या फिर डिफेक्टिव वायरस होता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एनवेलोप्ड ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एच एन एंड वी एच एन जो है कम्स अंडर, वो किसके अंडर आते हैं, ये अंडर आते हैं नेगेटिव सेंस एस एस आर एन ए वायरस, ये इसका करेक्ट आंसर है ओके। अब जो फिन रॉट टेल होती है, फिन रॉट टेल रॉट जो काज होता है, फिन रॉट जिसको या हम बोलते हैं टेल रॉट, ये कौन काज करता है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या वो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम करता है, क्या रेनी बैक्टीरियम सेलमोनेरम करता है या फिर सीडोमोनास करता है, तो क्या लगता है आपको, तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर वो आएगा सीडोमोनास जो है इसका करेक्ट आंसर है ओके। उसके बाद हम बात करें रेड स्पॉट डिजीज ऑफ जापानीज ईल इज ड्यू टू, अभी रेड स्पॉट डिजीज होती है जापानीज ईल के अंदर वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं पी एंगुला सेप्टिका जो है इसकी वजह से ये होती है ओके। अगर हम बात करें ब्लैक स्पॉट डिजीज की, ब्लैक स्पॉट डिजीज जो है is seen on which part of decapod, जो black spot disease है is seen on which part of decapod, carpus, abdomen, appendix, all of the above, तो जो appendix है इसका correct answer होगा। Zinker's necrosis mainly affect which part of body, option यहां पे brain, heart, kidney, muscle, तो क्या लगता है आपको क्या इसका सही answer आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा मसल ओके, मसल इसका करेक्ट आंसर है। जो भी क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से लिए गए हैं, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। ऑल जीन्स प्रेजेंट इन ए सेल आर वायरस इज कॉल्ड ए, तो क्या आएगा उसको हम कहते हैं जीनोम, क्या बोलते हैं जीनोम। नेक्स्ट है एन इनहेरिटेड चेंज
इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कंप्राइजिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं क्या, जीनोम कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं या जीन ट्रांसफर कहते हैं। जेनेटिक्स आपकी जो है सिलेबस के अंदर दी गई है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, म्यूटेशन। ओके, इन फ्रेश वाटर लेक्स द जोन वेयर देयर इज लाइट एंड H2S बट नॉट ऑक्सीजन एंड दैट हार्बर्स पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे चार दिए गए हैं, यहाँ पे है लेटरल जोन, लेमेटिक जोन, बेंथिक जोन, प्रोफंडल जोन, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रोफंडल जोन जो है इसका करेक्ट आंसर है। यूज ऑफ माइक्रोब्स टू ओवरकम पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट इज, तो इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, बायोरिमिडिएशन, ओलिगोट्रोपिशन या क्लिंसिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर सही आंसर वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर इसका आएगा बायोरिमिडिएशन। क्या आएगा, बायोरिमिडिएशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द अपर मोस्ट ऑर्गेनिक रिच जोन इन सोइल कॉल्ड ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन या आर होरिजन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए होरिजन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द सब्सटेंस दैट गिव्स सोइल ए ब्लैकिश टू ब्राउनिश अपीयरेंस, तो इसका आंसर आएगा आयरन ऑक्साइड, साल्ट, क्ले मिनरल्स या ऑर्गेनिक मैटर, तो जो सही आंसर है वो क्या आएगा, क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहां तक आपका हो गया क्लियर, कितने क्वेश्चन बन गए आपके सही। उसके बाद देखिए जो क्ले मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द क्ले मिनरल हैविंग हाईएस्ट केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज, अब जो क्ले मिनरल है इसके अंदर हाईएस्ट केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, तो ऑप्शन है कैलिनाइट, म्यूसुकवाइट, विर्मिकुलाइट या मोंटोनोर्मिनाइट, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, विर्मिकुलाइट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डू द फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रेवल इन ए टर्बुलेंट फ्लो, ऑप्शन ट्विस्टिंग, क्रॉसिंग, रिक्रॉसिंग या डिफिनिट पाथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिफिनाइट पाथ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ए लार्ज बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर कंटेनेड इन ए चैनल इज कॉल्ड एज, वैली, स्ट्रीम्स, क्रीक, रिवर, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा रिवर। ओके, लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंपाउंडेड वाटर आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाई पुटिंग अक्रॉस ए स्ट्रीम ऑन स्टोन आर कंक्रीट बाउंड, तो इसका आंसर होगा रिजर्वर। ओके, रिजर्वर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए करंट विच फ्लो पैरेलल टू शोर लाइन इज रिगार्डेड एज सर ऑफ ब्रेकर्स, अंडरटो, लॉन्ग शोर, तो ऑप्शन जो है बहुत सारे दिए गए हैं, तो आपको बताना है ए करंट विच फ्लो पैरेलल टू शोर लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्ग शोर, क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग शोर कहते हैं इसको। ए जेंट ओशन वेव ड्यू टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स और वोल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए जेंट ओशन वेव ड्यू टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं सुनामी, क्या बोलते हैं, सुनामी उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सैमोन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सीन बिटवीन रॉक, सैंड, प्लांट, नन, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, रॉक, सैंड, प्लांट, नन, तो क्या लगता है आपको इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सही आंसर जो है इसका वो क्या है, सैमोन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सीन बिटवीन
सीन बिटवीन सेंट ग्रेन्स, क्या आएगा? सेंट ग्रेन जो है इसका करेक्ट आंसर है. विन डायटम्स आर डोमिनेंट इन द सेडिमेंट, विन डाई एटम्स आर डोमिनेंट इन द सेडिमेंट्स. तो ऑप्शन यहां पे है डायटोमिशिज मड, डायटोम्यूज, फॉर्मेनिफेरल मड या नन. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डाई एटम ऊज जो है इसका करेक्ट आंसर है. ओके नेक्स्ट है मियोबेंथोस साइज इज, अब वो ग्रेटर देन 60 है, क्या वो 60 और 500 के दरमियान में है, क्या वो 500 टू 800 के दरमियान में है, क्या वो लेस देन 1000 है. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 to 500 माइक्रॉन्स. ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 60 माइक्रॉन और नॉट लेस देन 1000 माइक्रॉन. तो 60 to 500 माइक्रॉन जो है ये मियोबेंथोस का साइज होता है. अब है सी एनिमल्स, सी एनिमल्स एंड स्पंजेस आर एग्जांपल ऑफ, अब जो सी एनिमल्स और स्पंजेस है वो किसके एग्जांपल हैं. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं माइक्रोबेंथोस, मियोबेंथोस, माइक्रोबेंथोस, मेगलोबेंथोस. तो आपको क्या लगता है इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोबेंथोस. ओके माइक्रोबेंथोस जो है इसका करेक्ट आंसर है. इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मेजरली अफेक्टेड बाई फ्लड, तो आप जानते हैं जो आसाम था ये इसका करेक्ट आंसर होगा. इन द रिसेंट अमेजॉन फॉरेस्ट फायर विच कंट्री वॉज मेनली अफेक्टेड, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कनाडा या ब्राजील. तो जो ब्राजील था वो हुआ. ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है जो मैंने अभी दिखाया ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस था. तो ऐसे लेक्चर में और कोशिश करूँगा लाने की ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस मिल जाए एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो आप देख रहे हैं टीचिंग बिराजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.